वेलकम टू माई चैनल क्रिएटिवली योर्स और मैं हूँ आपकी प्रीति, आपके साथ एक इंस्टेंट डेकोर पीस शेयर करने वाली हूँ। तो ये रहा क्विक लुक हमारे सामान के लिए। ये है रोप, ये है दो प्लैंक्स प्लाई के, आप इससे थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। और जिसको छोटा सा चाहिए हो वॉल हैंगर, वो एक प्लैंक से भी काम कर सकता है। ये हमारा कर्टेन रिंग है जिसको हमने पहले से ही मैक्रेम थ्रेड से कवर कर लिया है। आपके पास ये ना हो तो कर्टेन लूप भी चलेगा, किसी वायर का सर्कल भी चलेगा, या कोई छोटा सा बैंगल हो वो भी चलेगा। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रोप है और हमने इस रोप को दो सेक्शन में डिवाइड कर लिया है जो इक्वल है। अब हम इसको इजी तरीके से बनाना सिखाते हैं। हम चलते हैं वॉल की तरफ। सो गाइस लेट गेट स्टार्टेड। ये मैंने लूप इसमें टांग दिया है। वैसे तो आप इसको चाहे तो नीचे टेबल पे रखकर भी बना सकते हैं, पर ये अगर हम इसको ऐसे वॉल पे हैंग करते हैं तो ये ज्यादा इजीली बन जाता है। हम अपने दोनों रोप के जो पीसेस हैं उसको इस कर्टेन रॉड में से ले जाएंगे, इक्वली इनको इक्वल उस पर हैंग कर लेंगे। बहुत इजी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है और आप इसको इंस्टेंटली बना सकते हैं। अब हम बिल्कुल बराबरी पे इस पे नॉट टाई कर देंगे। ये हमने एक बार टेबल पर रख के बनाने का भी ट्राई किया था, टेबल पर भी आसानी से बन जाता है, पर वॉल पे इसको बैलेंस करना ज्यादा इजी हो जाता है। अब हम अपना पहला प्लैंक इसमें टांग देंगे। जिसके पास प्लैंक ना हो दे नीड नॉट टू वरी। कार्डबोर्ड के 4-5 लेयर को एक साथ पेस्ट करके भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो चुका है। अब हम अपना दूसरा नॉट टाई करेंगे। दूसरा नॉट भी बिल्कुल सेम जैसे हमने अपर वाला किया है वैसे ही ये वाला भी होगा। तो हमारा दूसरा नॉट भी टाई हो चुका है। अब हम दूसरे प्लैंक को भी इसमें फिक्स कर देंगे। अब हम आपको इसका फाइनल रिजल्ट रिवील करते हैं। ये हमारा डेकोर पीस रेडी हो चुका है। दो